रुद्रपुर की मेट्रोपोलिस सिटी के डीडीपीएल टावर के पास आगामी 20 से 24 अक्टूबर तक होने वाले दशहरा मेला के लिए दशहरा मेला आयोजन समिति की बैठक गुरुवार को संपन्न हुई, जिसमें मेले की तैयारियों पर विचार विमर्श कर मेले को कैसे भव्य रूप दिया जाए उसकी रूपरेखा तैयार की गई। मेले में पहली बार लकी ड्रॉ का भी आयोजन किया गया, जिसमें जीतने वाले को 30,000 रूपए से अधिक उपहार समिति की ओर से दिए जाएंगे। इसके लिए आपको समिति से 100 रूपए का लकी ड्रॉ कूपन खरीदना होगा। बताते चले कि रुद्रपुर की मेट्रोपोलिस सिटी की दशहरा मेला आयोजन समिति की बैठक मेला समिति के अध्यक्ष देवेंद्र शाही की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में हर साल की तरह इस साल भी दशहरा मेले को बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे एवं उसकी तैयारी पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही मेले में आयोजित होने वाली सांस्कृतिक संध्या एवं भंडारे को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। वहीं 5 दिवसीय चलने वाले दशहरा मेले में किसी को असुविधा का सामना न करना पड़े, इसीलिए भी आयोजन समिति ने बैठक में मौजूद सदस्यों को दिशा निर्देश दिए। इधर मेट्रोपोलिस सिटी की दशहरा मेला आयोजन समिति के सचिव सुनील शुक्ला ने पत्रकारों को बताया कि मेट्रोपोलिस सिटी का दशहरा ऐतिहासिक एवं बड़ा मेला है, जिसमें भाग लेने के लिए न केवल स्थानीय जनता बल्कि अलग अलग क्षेत्रों से लोग बड़ी संख्या में आते हैं। उन्होंने कहा कि 20 अक्टूबर को मेले के प्रथम दिन माता की चौकी एवं भंडारे का आयोजन किया जाएगा। दशहरा मेला हर वर्ष मनाया जाता है। जब से MRWS अस्तित्व में आई है, दशहरा मेला हर बार अच्छे से अच्छा मनाने का प्रयास करती है। दशहरा मेला की शुरुआत माता की चौकी से की जाएगी, जो कि 20 तारीख को होनी है। माता की चौकी के बाद उसी दिन लंगर प्रसाद का आयोजन रखा गया है, जिसमें सभी के लिए व्रत वाला भोजन, बिना व्रत का भोजन सारा देसी घी में बनाया जाएगा। अगले दिन से 21 तारीख से हमारा दशहरे का जो वास्तविक मेला होता है वो शुरू हो जाएगा। 21 तारीख को मेला रहेगा। विभिन्न स्कूलों के बच्चे, यहाँ के लोग, हमारे सोसाइटी के बच्चे उसमें प्रतिभाग करेंगे। इसी प्रकार ये 20, 21, 22 और 23, 24 तारीख तक ही मेला चलेगा। 24 तारीख को ये रावण दहन के साथ संपन्न होगा। मेले के अंदर हमने मेले को और अच्छा बनाने के लिए एक ये लकी ड्रा कूपन हमने बनाया है। इस लकी ड्रा कूपन में हमने 100 रुपये का एक व्यक्ति को एक कूपन हम देते हैं, जिसमें तकरीबन सबसे बड़ा इनाम जो है वो 30,000 रुपये का इनाम है। इसके बाद वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, LED है, TV है, हर तरीके के हैं। तो एक तरह से सुनहरा अवसर है कि मात्र 100 रुपये में आदमी 30,000 या 40,000 तक के इनाम प्राप्त कर सकता है। प्रकार के झूले बच्चों के लिए, स्टॉल्स, अच्छे अच्छे व्यंजनों के स्टॉल्स बाहर से भी हमने बुलाए हैं, और जो पूरे शहर के जो अच्छे ग्रुप परफॉर्मर हैं, डांस परफॉर्मर हैं, सभी लोग इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। बढ़ चढ़ कर सभी के आ रहे हैं कि हमें मौका मिले यहाँ पर। अभी हमने गणेश महोत्सव किया था तो हमारे पास इतने प्रतिभागी थे कि हमको मौका ही नहीं मिलता था कि हम सब लोगों का कार्यक्रम करवा भी पाएँ। कार्यक्रम में भाग लेंगे, जनता से यही अपील करेंगे कि सभी लोग कार्यक्रम में आएँ, प्रतिभाग करें, तन मन और धन से सहयोग भी करें, जिससे कार्यक्रम को और अच्छा बनाया जा सके। जिसकी जैसी क्षमता हो, जो समय दे सकता है वो समय दे, जो धन दे सकता है वो धन दे, जो मानसिक रूप से अगर कोई हमें अपने सही सुझाव दे सकता है तो वो दे, मगर आगे आकर के इस धार्मिक कार्यक्रम में हर तरीके से प्रतिभाग जरूर करें।